हमारे साथ जुड़ चुकी है भीम आर्मी की तेज तरार नेत्री पूनम बौद्ध। पूनम जी आपका स्वागत है। जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल को जो आपने हमें टाइम दिया। और मैं पूनम बौद्ध भीम आर्मी हांसी हल्का अध्यक्ष। तो सर पूछिए आप क्या पूछ रहे थे। तो क्या मामला जी आज मामला ये देखिए वैसे हर कोई जानता है फिलहाल हांसी में शायद ही कि कोई बंदा ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि गांव सुल्तानपुर में जो मनरेगा का जो काम चल रहा था कुआरी रोड पे वहां पर एक हादसा हुआ है जिसमें आठ महिलाएं यानी दो मारी गई हैं और छह गंभीर रूप से घायल हैं। तो सर उसी के बारे में ये जो इतना धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। तो ये जो सुल्तानपुर में जो हादसा हुआ कल, तो महिला क्या कर रही थी? महिलाएं मनरेगा का काम कर रही थी। अब मनरेगा का काम आप लोग जानते हैं गरीबी काम होता है कि गरीब लोग जो होते हैं मनरेगा का काम करते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं। बस वही काम मनरेगा का चल रहा था वहाँ पे सड़क पे कि 37 कर्मचारी वहाँ पर बताए जा रहे हैं और अचानक से एक जो ट्रैक्टर है भट्ठे का वो आता है और नशे की हालात में होता है जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर जो है उन महिलाओं के ऊपर चला जाता है और महिलाएँ जो आठ यानी छः घायल हो जाती है और दो महिलाएँ बिल्कुल मर चुकी हैं कल ही उसी टाइम मौके पर ही। तो आज ये धरना चल रहा है और आप भी देखेंगे धरने पर मनोज राठी भी आए हुए हैं और भी काफ़ी संख्या में जो खाप के हैं और भी नेता आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है आज धरने को लेकर? ये धरने को लेकर सर ये है कि अगर धरना कोई प्रशासन अपनी कोई ठोस कार्रवाई कर देता तो शायद ये धरना ना करना पड़ता। ना ही तो प्रशासन अपनी कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है बल्कि सामाजिक संगठन जो है वो सभी हम जैसे भीम आर्मी है, किसान यूनियन है, वाम सेफ है, सब यहाँ पर इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। जब तक मजदूरों को न्याय नहीं मिल जाता वो इनके साथ रहेंगे, चाहे आंदोलन को बढ़ाना पड़े या फिर आंदोलन बढ़ाए बिना ही अगर प्रशासन इन लोगों को न्याय दे देता है तो हम उसको न्याय दिलवाने के लिए समर्थन इन लोगों को दे रहे हैं। पूनम जी क्या मांग रखी गई है सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष? देखिए मांग ये है जो दो महिलाएं मारी गई हैं जो मर चुकी हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार को एक डीसी रेट पर या सरकारी नौकरी इनको दी जानी चाहिए और जो छह महिलाएं घायल बताई गई हैं उन्हें 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो और जो मेन मुख्य मांगे क्या है कि जो ड्राइवर था उसके पास बताया जा रहा है कि कोई लाइसेंस नहीं है तो वो जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया जाए और जो भट्ठा मालिक है उनके खिलाफ भी कोई ठोस से ठोस कार्रवाई हो जाए। प्रशासन की तरफ से कोई आया जी? प्रशासन की तरफ से सर कल देखा था कि एसडीएम सर यहाँ पर आए थे लेकिन सभी बता रहे हैं कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। जो मांगे है आपने लोगों ने रखी है मांगे वो मांगे मानी नहीं जाती तो क्या रहेगा आंदोलन? देखिए फिलहाल तो सभी लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, इन लोगों की अपनी कोई कमेटी होगी, वो कमेटी क्या निर्णय लेती है वो हम आगे देखेंगे। बाकी फिलहाल इतना है कि अगर आज शाम तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता प्रशासन की तरफ से तो शायद कोई ठोस कार्रवाई आगे हो सकती है, यानी कि हांसी को बंद करने का फैसला भी जो आगे ये लोग ले सकते हैं। तो ये जो पोस्टमार्टम अभी लेकर नहीं करवाया है? पोस्टमार्टम तो सर ये है कि जब प्रशासन कोई अपनी तरफ से ठोस डिसीजन दे देता है तो पोस्टमार्टम भी कर लिया जाएगा और इस लाश को यहाँ से उठा भी लिया जाएगा। आप जानते हैं हम भी गृहस्थी बंदे हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी जो लाश है वो एक दिन से भी ज़्यादा कोई भी रखना सेफ नहीं मानता, लेकिन फिर भी यहाँ पर रख रहे हैं वो एक मजबूरी है। जब प्रशासन अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर देगा, इन लोगों को न्याय मिल जाएगा तो वो लाश भी यहाँ से उठा ली जाएगी और पोस्टमार्टम भी जो है सब काम करवा लिए जाएंगे। गाँव से भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ? हाँ सर, क्योंकि गाँव से ये जो है मजदूरों का एक काम था, मजदूरों के साथ एक दुर्घटना हुई है तो मजदूर जो हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हर गांव से हर शहर से, कहने का मतलब हांसी के जितने भी गांव हैं सभी गांव से यहाँ पर जो मजदूर हैं या जो आम लोग हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। पूनम जी कब शामिल हुए आप आर्मी में? देखिए वैसे तो शायद मेरे को 10-15 दिन हो चुके हैं लेकिन आज मेरा ये पहला ही प्रोग्राम है और यहाँ पर मैं अपना जो समर्थन दे रही हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दोगे। धन्यवाद। ये थी पूनम बौद्ध। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आंदोलन जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक यहाँ धरना रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। इनका पूरा समर्थन है और देखते हैं अब प्रशासन के लोग कौन आता है, कौन की मांग को मानता है। फिलहाल धरना चल रहा है, लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, गाँव से भी लोग पहुँच रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी यहाँ पहुँच चुके हैं और सात बास के प्रधान मौके पहुँच चुके हैं, मजदूर यूनियन के नेता भी यहाँ पहुँच चुके हैं, ट्रेड यूनियन के पहुँच चुके हैं, लोगों का पहुँचने का सिलसिला यहाँ जारी हो चुका है। अब इंतजार है प्रशासन का, प्रशासन के लोग कौन आते हैं यहाँ, क्या आश्वासन देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। नागरिक अस्पताल से ललित भारद्वाज जी खास रिपोर्ट।